जिस युवक की तस्वीर आप देख रहे हैं इसकी उम्र महज 24 साल है, लेकिन इसी उम्र में इस युवक की बेरहमी से गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामला फरीदाबाद के बल्लभगढ़ का है, जहां के छायसा गांव में गुरुवार की सुबह राहुल नाम के इस युवक पर बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें राहुल को 6 गोलियां लगी और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। वारदात गुरुवार सुबह की है। सुबह करीब 6:30 बजे राहुल घर के बाहर बैठकर ब्रश कर रहा था, जबकि उसकी पत्नी घर के अंदर काम में बिजी थी। बताते हैं कि इसी दौरान बाइक पर सवार बदमाश आए, उन्होंने राहुल की पहचान की और फिर दनादन फायरिंग झोंक दी। क्योंकि सुबह के वक्त गली में ज्यादा लोग मौजूद नहीं थे, लिहाजा बदमाश बड़े इत्मीनान के साथ वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। इस हत्याकांड को क्यों अंजाम दिया गया फिलहाल साफ नहीं है। पुलिस इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है। हत्यारों की गिरफ्तारी के बाद ही कत्ल करने की वजह साफ हो पाएगी। राहुल एक संपन्न परिवार से ताल्लुक रखता था। राहुल की साल 2018 में शादी हुई थी और इसकी 2 बेटियां भी हैं। राहुल की मां जहां एम्स अस्पताल में नौकरी करती है, वहीं पिता वेल्डिंग का काम करता है। माना जा रहा है कि इस हत्याकांड के पीछे कोई पुरानी रंजिश भी हो सकती है। जिस वक्त वारदात को अंजाम दिया गया, तब राहुल के माता पिता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जम्मू गए हुए थे। घर पर राहुल और उसकी पत्नी ही मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, नवदीप टुडे। खबरों की डोज नवदीप टुडे पर हर रोज।